यह वीडियो क्लास 9 चैप्टर 7 का नेक्स्ट भाग है। आप जान रहे हैं कि हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने डिफरेंट फाइलम्स के नाम पहले याद किए थे, उसके बाद एक एक करके मैंने सारे एनिमल जो भी फाइलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने आपको बताया है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले पॉलीफेरा के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद सिलेंट्रेटा, प्रेडीहेलमिन, सिनेमेटोडा, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया है, और हम लोग यहाँ कोरडाटा तक पढ़ लिए थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि कोरडाटा में हम लोगों ने पढ़ा था कोरडाटा के कितने बेटे हैं, दो बेटे। मैंने याद करने के लिए आपको सिखाया था, पहला क्या था प्रोटोकोरडेटा और दूसरा क्या था वर्टिब्रेटा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि वर्टिब्रेटा में कौन कौन से यहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो वर्टिब्रेटा को मैंने याद कराया था आपको कि वर्टिब्रेटा के कितने बेटे हैं, पांच बेटे। सबसे पहले आप देख सकते हैं पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमिलिया। तो ये हम लोग एक एक के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं, तो आपको कुछ खास करना नहीं है, इन्हीं में से प्रत्येक के चार से पांच कैरेक्टरिस्टिक को आपको पढ़ लेना है और याद भी कर लेना है। तो जैसा देख सकते हैं पहला ग्रुप क्या हो गया, पाइसेस हो गया। तो अब इसमें हम लोगों को कुछ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेना है। तो इसमें दो वर्ड्स जो आएंगे आपको वो आप जान लेना है, जैसे कि पहला वर्ड आ गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और दूसरा वर्ड आपको जान लेना है वार्म ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसे कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल किसे कहते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जैसे कि उदाहरण में आप ले सकते हैं पाइसेस हो गया, इसकी जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड। फिर एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनमें पाए जाएंगे। जबकि आप देखेंगे कि एविस है और फिर यहाँ पर मैमिलिया है, वो दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल के वहां पर उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनमें अंतर क्या है, तो वे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बॉडी को वार्म करने के लिए या फिर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर के एनवायरमेंट पे निर्भर रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बाहर का एनवायरमेंट ठंडा हो जाएगा तो उनका बॉडी ठंडा पड़ जाएगा, बाहर का एनवायरमेंट गर्म होगा तो उनका बॉडी फिर एक्टिव होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बाहर की टेम्परेचर से उनका लेना देना नहीं होता है, उनका बॉडी खुद ही एनर्जी को वेस्ट करता है या फिर बोले एनर्जी को यूटिलाइज करता है, और एनर्जी का उपयोग करके उसका बॉडी उसको गर्म रखता है। तो इस प्रकार से उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे कि जो बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है, खास टेम्परेचर, वो कैसे होता है, तो जो भोजन करते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है वही एनर्जी उनके बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको हर जगह लिख देना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, कॉमन पॉइंट्स किसी में प्रेजेंट है किसी में एब्सेंट है, इस प्रकार से लिख देना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि हम लोग को वैसे ही कुछ पॉइंट्स याद रखना है और उसको लिख देना है। तो चलिए देखते हैं चार पांच पॉइंट्स, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग एग्जामिनेशन में यदि पूछा जाए तो लिख सकते हैं। तो दीज आर फिश, तो पाइसेस में किस कौन से ग्रुप आ गए, फिश वाले ग्रुप आ गए। दे आर एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग, तो आप जानते हैं कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इसके वो वाटर में ही पाए जाएंगे। Their skin is covered with scales, plates. तो देखिए तीन चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब पहला पॉइंट क्या हो गया, इसका स्किन स्केल से ढका रहता है या फिर प्लेट से ढका रहता है। तो अब ये हम लोग पांच पॉइंट, तीन चार पांच पॉइंट बना लेंगे, और सभी जो ग्रुप्स आएंगे जैसे एम्फीबिया आ गया और फिर रेप्टिलिया आ गया, उसमें भी यही सारे चीज हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कंपैरेटिव इसमें लिखना है, पाइसेस हो गया, तो पाइसेस का स्किन यदि लिखा जाए तो इसमें क्या पाया जाएगा, स्केल्स पाया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो एक कैरेक्टरिस्टिक लिया उसी कैरेक्टरिस्टिक को अब सब में कुछ कुछ वेरिएशन करके यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने किसका बात किया, स्किन का बात किया, तो स्किन में आप देख सकते हैं पाइसेस में क्या पाया जाएगा, वहां पर स्केल्स पाए जाएंगे। एम्फीबिया में इसका स्किन क्या होगा, चिकना होगा, उसमें ग्लैंड्स पाया जाता है। रेप्टिलिया में क्या होगा, वहां भी स्केल्स पाए जाएंगे। एविस में क्या होगा, उसमें फेदर पाए जाएंगे। जबकि मैमिलिया में क्या होगा, उसमें ग्लैंड्स पाए जाएंगे और उसमें हेयर होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक एक कैरेक्टरिस्टिक को लेना है और लगभग सब में उसको क्या कर देना है, लिख देना है थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके, तो बस आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेशन का बात करेंगे, तो रेस्पिरेशन में यहाँ पर पाइसेस में कैसे रेस्पिरेशन होगा, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होगा गिल्स के द्वारा होगा। फिर हम लोग एम्फीबिया में देखेंगे कि गिल्स के द्वारा और गिल्स और लंग्स के द्वारा होता है। रेप्टिलिया में देखेंगे कि लंग्स के द्वारा होता है। एविस और मैमिलिया में भी लंग्स के द्वारा होता है।
फिर यदि हम लोग बात करें कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की, तो यहां पर देखिए कि पाइसिस क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड है, जबकि रेप्टिलिया तक ये तीनों क्या है, कोल्ड ब्लडेड, और एवीस और मैमिलिया क्या है, वार्म ब्लडेड। तो ऐसे ही हम लोगों को डिफरेंस करते जाना है। यदि हम लोग उसका रिप्रोडक्शन देखें तो देखेंगे कि यहां पर ये तीनों क्या है, ये चारों क्या है आपका, ये एग लेइंग है, मतलब ये अंडा देंगे, जबकि आप मैमिलिया को देखेंगे तो मैमिलिया क्या देगा, यंग वंस को देगा, मतलब कि वो बच्चे को जन्म देता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हम लोग पॉइंट वाइज करके आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कुछ कुछ पॉइंट्स लेना है और सब में वैसे ही डिफरेंस कर देना है आपको। जैसे कि यहां देख सकते हैं, देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल प्लेट्स, पहला स्किन कैसा होता है वो मैंने जैसे पांचों में बताया, तो यहां पर कैसा होता है, स्केल्स के उस स्किन में स्केल्स होंगे। दे ऑब्टेन द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड मतलब धारा रेखीय होता है। आप देखें किस प्रकार से बॉडी होता है उसका आगे, जो कि धारा रेखीय होगा, जिसको बोलेंगे कि मतलब वो आसानी से पानी में रह सकता है, तैर सकता है। एंड मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट, तो ये खास कैरेक्टर हो गया फिश का कि वो उसका बॉडी स्ट्रीमलाइन रहेगा, उसमें फिन्स पाए जाएंगे वो वाटर में रहने के लिए, ताकि वो आराम से तैर सकता है। इसी के साथ कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जैसे मैंने पांचों में बताया, वैसे ही आपको लिख देना है कि ये कोल्ड ब्लडेड है, और इसका जो हर्ट है वह टू चैम्बर है। तो हर्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो कि पांचों में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, किसी का टू चैम्बर है, किसी का थ्री चैम्बर है, किसी का फोर चैम्बर है, तो वो सारा लिखते चलना है। तो आप देख सकते हैं ये कोल्ड ब्लडेड है और उसका हर्ट कितना है, सिर्फ दो चैम्बर का होता है। अनलाइक द फोर दैट मैमल्स है, और मैमल्स अनलाइक द फोर दैट ह्यूमंस है, ह्यूमन में कितना होता है, फोर चैम्बर, तो ये आप आगे में बताने वाला हूं। दे ले एग्स, तो वो क्या करते हैं, एग देते हैं। We can think of many kind of fishes, some with skeletons made entirely of cartilage, such as shark, and some with skeleton made of both bone and cartilage, such as tuna and rohu. तो यहाँ पर कुछ fish का नाम बताया गया है और उसको differentiate किया गया है। जैसे कुछ fish ऐसे होते हैं जिनका जो body है उसमें हड्डी नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह क्या होता है, cartilage होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके कान में cartilage है, नाक में यहाँ पर cartilage है, तो ये कार्टिलेजिनस फिश कहे जाते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, कार्टिलेज, मतलब उसका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि शार्क किस चीज का, कैसा फिश है, तो ये कार्टिलेजिनस फिश है, मतलब इसका जो स्केलेटन है वह किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। जबकि कुछ का स्केलेटन किसका बना होता है, बोन और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है। जैसे कि उदाहरण आपका आ गया टूना हो गया, रोहू हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कभी भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए कौन कौन चीज से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे यदि पांचों को दिया गया तब। तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोगों को लेना है स्किन, मैंने बताया स्किन पांचों में अलग अलग होगा। दूसरा आप ले लीजिए कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड ले लीजिए। तीसरा हो गया कितना चैम्बर का हर्ट है। चौथा एग लेइंग है या फिर नहीं है। फिर पांचवा रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक लेके आप सब में क्लासिफाई फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यही पांचों को आप याद रखिए, सब जितने भी मैंने आपको बताया ग्रुप उसमें, पांचों ग्रुप में। इसके बाद उसका कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है एक दो, तो उसको आपको याद रखना होगा। जैसे इसमें कार्टिलेजस फिश है या फिर आपका बोनी फिश है, उसका डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया गया। फिर फिश कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, ये सारा बात आप एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पांच ऐसे और दो तीन बात एक्स्ट्रा, तो कितने पॉइंट्स हो गए, आठ पॉइंट्स हो गए। तो आप आठ पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार बताता हूँ कि आपको क्या करना है, इसका उदाहरण याद कर लेना है। तो ये सारे उदाहरण आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कार्टिलेजियस फिश है, ये क्या है, स्कॉलियोडॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग फिश। यदि आपको डायरेक्ट एग्जाम पूछ दिया गया कि डॉग फिश कौन है, तो आपको क्या उदाहरण देना पड़ेगा, क्या नाम देना पड़ेगा, स्कॉलियोडॉन। तो स्कॉलियोडॉन डॉग फिश है, तो स्कॉलियोडॉग इसको पढ़ लीजिए तो डॉग फिश हो जाएगा। तो ऐसे कुछ निमोनिक्स बना के भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब आइए यहां पर आप देख सकते हैं रोहू का नाम दिया गया है, जो कि बोनी फिश है। तो ये सारे उदाहरण आप कोशिश करिए कि याद कर लें।
अब हम लोग बढ़ते हैं एम्फीबिया में। तो एम्फीबिया में मैंने बताया 5 पॉइंट आपको याद रखना है, कोल्ड ब्लडेड है या नहीं है, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, स्किन कैसा है, कितना चैम्बर का हर्ट है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स एक देता है या नहीं देता है। तो ये सब 5 पॉइंट्स में आप इसको क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बस आपका हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल। इसमें स्केल नहीं पाया जाएगा बल्कि इसका म्यूकस ग्लैंड स्किन में पाया जाएगा, स्किन हो गया। दूसरा ये 3 चैम्बर हर्ट है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो फिशेस होते हैं उनमें 2 चैम्बर्ड है, तो इसमें 3 चैम्बर्ड है। इसके बाद रेस्पिरेशन इसमें क्या होगा, गिल्स से भी होगा या फिर लंग से भी होगा, दोनों चीज। यदि ये एम्फीबिया होता है, एम्फी मतलब होता है बोथ, तो ये अपना लाइफ साइकिल 2 जगह पूरा करते हैं, वाटर में भी पूरा करते हैं और लैंड पर भी, इसलिए इनका नाम पड़ गया है एम्फीबिया। जैसे कि आप यहाँ पर टोड का उदाहरण ले सकते हैं, फ्रॉग का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये 2 रूपों में पाया जाता है। इसका जो लार्वल स्टेज होता है वह पानी में होता है, मतलब पानी में जीवित रहेगा, और जब वह बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको वह लैंड पर भी रहता है। इस कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट किंगडम का एम्फीबिया किसे कहा जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने इसको आपको पढ़ाया है। तो ये हो गया, इसका हर्ट कितना होता है, 3 चैम्बर हर्ट होता है। रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल्स और लंग्स के थ्रू होगा। क्या देगा, तो एक देगा। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन बोथ इन वाटर एंड लैंड, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीबिया, क्योंकि जमीन और लैंड और वाटर दोनों में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। उदाहरण देख सकते हैं, फ्रॉग्स है, टोड्स है, सैलमेंडर्स है। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख सकते हैं हाइला जिसको 3 फ्रॉग बोलते हैं, तो ये सब राना टिग्रीना जिसका नाम है कॉमन फ्रॉग। तो कभी भी ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अब आ गया रेप्टिलिया, तो आ गया 5 पॉइंट। जैसे ही रेप्टिलिया आ गया आपके दिमाग में 5 पॉइंट्स आने चाहिए, तो अभी क्लिक करके आप जवाब देना शुरू करिए। सबसे पहला, कोल्ड है या वार्म ब्लडेड है, तो आंसर है कोल्ड ब्लडेड। दूसरा, स्किन कैसा होगा, स्किन पे स्केल होगा। तीसरा, इसका हार्ट कैसा होगा, हार्ट में कितना चैम्बर होगा, तो आप देख सकते हैं 3 चैम्बर हार्ट है, हार्ट है, हार्ट नहीं बोलते, हार्ट बोलते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया कि क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर हार्ट होता है, तो ये 4 चैम्बर्ड होता है, इसको आप याद रखिए कि क्रोकोडाइल में ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे ले एक सुए क्या देंगे, अंडा देंगे विद टफ कवरिंग, तो आप जानते हैं कि अंडा टफ कवरिंग हुआ है। तो ये सारा चीज यहां पर आप लिख सकते हैं इसके बारे में 5 पॉइंट्स। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, बस इसका एग्जांपल्स याद कर लेना है। यहां देख सकते हैं ये स्नेक है, किंग कोबरा, तो ये रेप्टिलिया का उदाहरण है। फ्लाइंग लिजर्ड देख सकते हैं, ड्रैको है। फिर आ गया एवीज, तो फिर बताइए क्या है। 5 चीज आपको याद रखना है। पहला बताइए, कोल्ड है या वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड है। हार्ट कितना होगा, 4 चैम्बर्ड होगा। इसका स्किन क्या होगा, फेदर्स होगा। अंडा देगा क्या, यस अंडा देगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख देना। रेस्पिरेशन इसमें लंग्स के द्वारा होगा, बस हो गया। और क्या, एवीज खत्म हो गया। इसके बाद आ गया आपका मैमिलिया, देख सकते हैं पक्षी वाला ग्रुप हो गया। इसके बाद मैमिलिया है, तो मैमिलिया में भी ठीक वही 5 चीजें आपको लिख देनी है। मुझे उम्मीद है कि आप 5 चीजें लिख पाएंगे। हार्ट किस कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ये एग्स नहीं देते हैं, ये क्या कहते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। इनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन कुछ यहाँ एक्सेप्शन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विद 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मैमल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है जिससे वो अपने बेबी को दूध पिलाता है। दे हैव मैमरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिससे क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, जिससे बेबी को अपने दूध पिलाएगा और उनको नरिश करेगा। देयर स्किन हैज हेयर्स, उनके स्किन में क्या होता है, हेयर होता है। मैंने स्किन बताया था, 5ों का कंपैरिजन किया था, तो इनके स्किन में क्या होता है, हेयर्स होता है। एज वेल एज स्वेट ग्लैंड्स, में स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स ये भी होंगे, मतलब ग्लैंड्स पाए जाते हैं। Most animals familiar with production मतलब live young ones, मतलब वो बच्चे को जन्म देते हैं। However, यहीं से आपका एक question आएगा, इसका exception दीजिए। तो आप देख सकते हैं echidna है पहला और दूसरा है platypus। ये क्या होता है, ये फिर अंडा देता है, बेबी को जन्म नहीं देता है। तो ये लेक्स ये बच्चे को नहीं जन्म देता है, बल्कि क्या करता है, ये अंडे को देता है। तो ये 2 यहाँ पर क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया ये क्लासिफिकेशन।
इसके बाद आ रहा है कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ लेना है, और हम लोगों को क्या पढ़ लेना है यहाँ पर, फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैं आगे के टॉपिक में आपको बता दे रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।